मुरादाबाद के एमपी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं हसन साहब। दिलचस्प भी है कि वो कह रहे हैं कि शरिया का उल्लंघन हुआ, राम मंदिर बन रहा है, इसीलिए ये कोरोना भारत में आ रहा है। ये बहुत लोग ये बात बोल रहे थे, ये कट्टरपंथी बहुत लोग ये बात बोल रहे थे कि राम मंदिर बना, सीएए लागू हुआ, ये कहां कहां से घूम लिया, जबकि ये अच्छा होता कि ये इस देश में सिर्फ होता तो पता नहीं ये क्या कर देते। लेकिन एक एमबीबीएस ये बोल रहा है और इस पर मीडिया की चुप्पी है, इसे कैसे रूप में देखा जाए? पहले जरा सा सर्जन जो इसी इन्हीं का ऑपरेशन किया जाए, ये डॉक्टर होकर के भी, डॉक्टर हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन दोनों जिम्मेदारी वाले उस पर रह करके भी इस तरह की हरकत, क्या सोच बदलती नहीं है? इसे कैसे इसकी व्याख्या की जाए? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, आज ही इस प्रकाश में आया है। ये डॉक्टर हसन जो है मुरादाबाद के है, इनकी 3 जांचें होनी चाहिए मनीष जी। सबसे पहले तो इस आदमी की डिग्री जांची जांची जानी चाहिए कि ये वास्तव में एमबीबीएस है या फर्जी आदमी है, ये फर्जी डिग्री लिए हुए है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस तरह की बात नहीं कर सकता। और अगर इसकी डिग्री सही है तो फिर इसकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए, इसका मानसिक संतुलन ठीक है या इन दिनों गड़बड़ हो गया है जो इस तरह की बातें कर रहा है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो इसकी तीसरी जांच ये होनी चाहिए कि वो एनआईए से कराई जानी चाहिए कि ये क्या सांप्रदायिक दंगा बढ़ाने की, भड़काने की, इस देश में अराजकता फैलाने की कुछ साजिश कर रहा है ये आदमी। मनीष जी, कितनी मूर्खतापूर्ण और कितनी धूर्ततापूर्ण इसने बात की है। ये किसी मस्जिद का मौलाना या मदरसे का मौलाना ये बात करता तो एक बात समझ में आती है, कट्टरता की वजह से कह रहा है, धर्मांधता की वजह से कह रहा है। इसकी बात का कोई सिर पैर है? अगर शरिया के उल्लंघन से, मुसलमानों पे अत्याचार से कोरोना फैलता होता तो मनीष जी इस दुनिया में आज की तारीख में लोग तो पाकिस्तान को कहते हैं सबसे बड़ा कट्टर इस्लामी देश जो पूरी तरह से शरिया कानूनों पे चलता है वो है ईरान। और उस ईरान की आबादी है 8.5 करोड़। और इस बेवकूफ हसन को ये समझ में आना चाहिए कि वहां पे आज तक, मतलब मनीष जी आज सवेरे तक 80,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अगर भारत से तुलना करिए, अगर उसकी आबादी भारत के बराबर होती तो आज तक ईरान में 12 लाख आदमी मर चुका होता। अभी हिंदुस्तान में 3,35,000 मौतें हुई हैं। तो वहां का शरिया का कानून नहीं लागू हो रहा है कि वहां शरिया की बेइज्जती हो रही है, कि वहां पे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, कहना क्या चाहता है? तो ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये धूर्त आदमी है और एक साजिश के तहत इसने ये बात कही है। दूसरी चीज, एक तो मैंने ईरान का बताया कि वहां तो मतलब भारत से 4 गुना ज्यादा मौतें हुई अगर आबादी के अनुपात में बात करिए। इसके अलावा एक चीज आप भी जानते हो तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन में एक सिंजियांग प्रांत है जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और वहां पे मस्जिदों को तोड़ के चीन हमारे व्यूअर्स जान ले, यही डॉक्टर हसन हैं, पढ़े लिखे लगते हैं और खुद एक बतौर इनका जो फोटो है ये भी एक डॉक्टर के रूप में है, तो व्यूअर्स जरा, चूंकि इनका इनको पहचानते नहीं होंगे, ये एक मुलायम सिंह के सांसद हैं और डॉक्टर भी। हाँ सर, बताएं सर। तो इनको डॉक्टर हसन को बताना चाहिए कि वो जो सिंजियांग प्रांत है चीन में, वहां तो वहां सरकार ने 70% मस्जिदें तोड़वा दी। रोजे में वो डीजे बजवाती है, मुल्ला जो मस्जिदों के इमाम है मौलाना, उनको सड़क निकला के चौराहे पर उनसे डिस्को करवाती है, कुरान पढ़ने पर सजा दी जाती है, नमाज पढ़ना मना है। ये पूरे सिंजियांग प्रांत में है तो वहां कोरोना क्यों नहीं आया? चीन तो कह रहा कि हमारा कोरोना है नहीं, हमारा तो कुल 8,000 आदमी मरा, तो टीएस हसन का क्या कहना है उस पर? तो ये सब जानते बूझते हुए ये इनका एक है कि अराजकता फैले देश में, लोग वैक्सीन लगवाना बंद कर दें, दवा का इस्तेमाल करना बंद कर दें, अल्लाह के भरोसे हो जाए, जितनी ज्यादा मौतें होंगी उतना इनको राजनीति करने का मौका मिलेगा, उसकी साजिश कर रहा है, आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये कि महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए उठाना जरूरी है, और क्योंकि ये सिर्फ ये डॉक्टर हसन होते, सिर्फ ये हसन होते तभी ये विमर्श का बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं था। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ, ये एक एमबीबीएस डॉक्टर है, ये शर्म की बात बहुत है, ये बेहद शर्म की बात है कि इस आदमी की, सही आपने बहुत बड़ी बात कही कि ऐसे आदमी की एनआईए जांच होनी चाहिए कि कहीं ये जानबूझ हाँ करके आतंक की गतिविधि को तो अंजाम नहीं दे रहा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आधुनिक वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति, एक एमबीबीएस डॉक्टर, जिसके लिए पूरा आज के डेट में जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पागल बना हुआ है,
अपनी गलती ना देखकर, ऐसे ऐसे डॉक्टरों का इलाज एमबीबी कराना चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। ऐसा जो पागलपन छाया हुआ है, ऐसे पागल डॉक्टरों का इलाज करना सबसे पहले जरूरत है। जरूरत है ऐसे लोग यदि एक डॉक्टर भी हैं, एमपी भी हैं, समाज को क्या संदेश जाता है। हमें इस ज्वलंत मुद्दे को था कि आपके साथ उठाया जाए इस चीज को। जी। चलिए, ऐसे लोगों का इलाज मुझे लगता है हो ही नहीं सकता, और अंत में क्योंकि ये इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ बस एफआईआर इनके ऊपर होनी कानूनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस राज्य में हैं और जिस राज्य के जी मुखिया बाबा योगी हैं, वहां ये संभव हाँ भी है, क्योंकि तो बाबा हाँ योगी ने बहुत कुछ किया है। ऐसे ऐसे बीमारों का इलाज उसी डॉक्टर के पास है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ, उन्हीं क्योंकि उस डॉक्टर के ने पास जिस बीमारी का इलाज दिल्ली में शाहीन साजिश का इलाज जिस अमित शाह के पुलिस ने नहीं किया, उसका इलाज बाबा आदित्यनाथ ने किया।